अवैध खनन माफिया के खिलाफ नागौर जिले में पुलिस ने जिले भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। अवैध खनन माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। नागौर एसपी राममूर्ति जोशी के दिशा निर्देश पर कुल 110 जगहों पर दबिश दी गई, जिसमें 60 मुकदमे दर्ज किए गए। इस दौरान पुलिस की टीमों ने 51 ट्रैक्टर ट्रॉली, 13 डंपर व ट्रक जब्त किए। जिले में कुल 229 टन अवैध पत्थर इस कार्रवाई के दौरान जब्त किया गया। यही नहीं, नागौर जिला पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान डंपरों व ट्रकों में भरी 431 टन अवैध बजरी भी जब्त की गई। डीजीपी उमेश मिश्रा के दिशा निर्देश पर नागौर जिले भर में एसपी राममूर्ति जोशी द्वारा ये अभियान चलाया गया। एसपी के निर्देशन में चले इस अभियान में पूरे जिले के सभी थाना क्षेत्रों में 110 स्थानों पर कार्रवाई हुई। इस दौरान जिले भर में 60 मुकदमे पुलिस ने दर्ज किए हैं। भारी मात्रा में इस दौरान अवैध खनन का पत्थर व बजरी जब्त की गई। एसपी द्वारा पिछले दिनों अवैध गतिविधियों व अपराधों में लिप्त लोगों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की थी। उस दौरान भी भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए थे, साथ ही अनेक लोगों को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस ने अवैध खनन माफिया के खिलाफ ये अभियान शुरू किया, ताकि जिले में अवैध खनन की जो गतिविधियां संचालित है उस पर लगाम लगाई जा सके। इसी मंशा से एसपी के निर्देश पर ये अभियान पूरे जिले में चलाया गया और इसका असर भी देखने को मिला। पूरे जिले में 60 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हुए हैं। 51 ट्रैक्टर ट्रॉली व 13 डंपर व ट्रक जब्त किए हैं। साथ ही इस पूरे मामले में मुकदमे दर्ज करने के साथ ही अवैध खनन माफिया में इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप मचा हुआ है।